दिल्ली के खिचड़ीपुर की गली है, ये कंजेस्टेड गली है, बहुत सारी दुकानें और उसके बीच में एक बोर्ड लगा हुआ है पढ़ाई वढ़ाई। ये पढ़ाई वढ़ाई क्या है? ये यहाँ बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई है, इसके अलावा ये नॉर्मल चीज़ नहीं है। ये किस तरह नॉर्मल नहीं है, अंदर जाके देखते हैं कि कैसे ये नॉर्मल नहीं है। पढ़ाई वढ़ाई लिखा हुआ देख रहा हूँ मैं, क्लासेस लगी हुई है। ये क्या ट्यूशन क्लास हो ले रहे हैं, कोचिंग है, ये क्या है? एग्जैक्टली कोचिंग नहीं है। सो पढ़ाई वढ़ाई एक ऐसा एजुकेशनल फॉर्म है जो पढ़ाई और वढ़ाई को कंबाइन करके देता है। तो पढ़ाई मतलब रेगुलर एजुकेशन जो आपको लाइफ के लिए चाहिए, वढ़ाई जो स्किल्स उस एजुकेशन के साथ आपको चाहिए, सो उन दोनों को कंबाइन करके हम बच्चों को देते हैं। सो इट्स ऑल अबाउट। कहाँ से आइडिया आया है? सो हमारा जर्नी शुरू होता है बिजनेस ब्लास्टर्स से, जब सीड प्रोजेक्ट शुरू हुआ था बिजनेस प्लस से, एंड हमें 2000 रुपीज़ का सीड मनी दिया गया था। थ्रू दैट टीम हमने वहाँ से शुरू किया। अफकोर्स मैं एक NGO से पढ़ा हुआ हूँ, तो वहाँ पे मुझे तो बहुत अच्छा शिक्षा मिल पाया, लेकिन बहुत सारे और बच्चों को अच्छा शिक्षा नहीं मिल पा रहा था। तो हमने सोचा कैसे हम स्किल्स को बच्चों में इम्पार्ट करें और उनके एजुकेशन के लेवल को और इम्प्रूव करें। तो बिजनेस ब्लास्टर से संबंधित है आप, कब किया था आपने, तब क्या करते थे और अभी आप क्या कर रहे हैं आजकल? सो मैं साइंस का स्टूडेंट था, तो बिजनेस ब्लास्टर्स में हमने पार्टिसिपेट किया था, वहाँ से थ्रू सीड प्रोजेक्ट, उसके बाद हम सेलेक्ट हुए थे। आउट ऑफ 51,000 आइडियाज हमारा आइडिया टॉप 100 में सेलेक्ट हुआ था। आफ्टर टॉप 100 के सिलेक्शन हमें अलग अलग यूनिवर्सिटी से ऑफर आया था टू परस्यू डिफरेंट कोर्सेज। तो मैंने भी नेताजी सुभाष यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी में एडमिशन लिया था NSUT में, एंड फिर वहाँ से हमने अपना एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी को आगे किया। अभी कैसा चल रहा है? ये स्टार्टअप ही समझो, स्टूडेंट प्लस स्टार्टअप लिखा हुआ देख रहा हूँ मैं यहाँ पे। सो इफ़ यू विल आस्क कैसा चल रहा है, तो हाँ अभी भी बहुत सारे चैलेंजेस हैं, अभी भी बहुत सारी चीज़ें सीख रहे हैं, टाइम लगेगा बट हाँ। कितने बच्चों को आप इस तरह की ट्रेनिंग देते हैं और क्या क्या करते हैं इसमें? सो पढ़ाई वढ़ाई में अभी हमारे पास 300 से ज़्यादा बच्चे हैं, और इसमें मेजर हम बहुत सारे पोर्शंस में डील करते हैं। सो वन ऑफ दी पोर्शन इज जहाँ पे हम क्लासेस और स्किल्स की ट्रेनिंग देते हैं। सेकंड पोर्शन इज हम फाइनेंशियल लिटरेसी के रिलेटेड सेशंस लेते हैं कि वो इन्वेस्टमेंट्स कैसे प्लान कर सकते हैं और भी चीज़ें अपने करियर में क्या कैसे कर सकते हैं। हमारा अपना ऐप है जहाँ से आप फ्री में अपना क्वेरी पूछ सकते हो, जिसका नाम है पढ़ाई वढ़ाई के ऐप पर आप जाइए, आप फ्री में क्वेरी पूछ सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे काम कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें। जो बच्चे आपको पढ़ाते हैं वो क्या मॉडल क्या है दोनों के बीच, कुछ मॉडल होगा ना? सो पढ़ाई वढ़ाई में जो भी बच्चे एनरोल करते हैं, पहली बात उनका फ़ीस बहुत अफोर्डेबल होता है। जब फीस उनका बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल होता है, तो वो इसके बाद बहुत सारे स्किल्स सीखते हैं। अब मार्केट में स्किल सीखने के बाद वो क्या करेंगे, तो वो एक वेबसाइट है bookboardsview.com, वहाँ पे जाके अपने आप को रजिस्टर करते हैं। वहाँ पे रजिस्टर करने के बाद बहुत सारे फ्रीलांसर्स के तौर पे काम करते हैं। सो बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आते हैं उसके लिए, एंड वो प्रोजेक्ट्स कंप्लीट करते हैं, वो वहाँ से पेमेंट गेन करते हैं, और ऐसे एक इकोसिस्टम स्टूडेंट्स का और स्टार्टअप्स का हम बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं। कितना रेवेन्यू मॉडल तो आपने बता दिया, कितना क्या अर्निंग वगैरह वगैरह आपकी और बाकी लोगों की कितना हो जाता है इससे? रेवेन्यू मैं ऐसे ही तो डिस्क्लोज नहीं करूँगा, बट एट द सेम टाइम वी आर एट गुड स्टेज। हमारा ब्रेक इवन कंप्लीट हो चुका है, किसी भी स्टार्टअप का ब्रेक इवन कंप्लीट होना इज अ गुड थिंग। पढ़ाई वढ़ाई खिचड़ीपुर का ब्रेक इवन ऑफकोर्स कंप्लीट हो चुका है। अभी एक अच्छा प्रॉफिट हम जनरेट कर रहे हैं, एट द सेम टाइम बहुत सारे और नए फील्ड्स में हम एंटर कर रहे हैं, सो ऑफकोर्स प्रॉफिट मार्जिन अभी हमारा इंक्रीज होने वाला है। बच्चों से पूछते हैं जो जिनको आप ट्रेनिंग दे रहे हैं, वो क्या बोलते हैं? क्या नाम है आपका? तान्या। तान्या। क्या करती हैं आप यहाँ पर? स्टूडेंट हूँ मैं यहाँ के, और मतलब यहाँ पढ़ाई वढ़ाई में एक चीज़ अच्छी है कि यहाँ ना पढ़ाई के साथ हम लोग स्किल्स भी सीख सकते हैं। यहाँ बहुत सारी स्किल्स हैं जैसे मेकअप, कंप्यूटर, और हमने बहुत सारे सेशन भी लिए हैं स्किल्स के। आपको सबसे अच्छा क्या लगा? यहाँ मेकअप सेशन मुझे अच्छा लगता है। यहाँ अलग अलग तरह के मतलब डेली मेकअप, ब्राइडल मेकअप, सारे मेकअप सिखाते हैं, और मैं उनके कोर्स भी करती हूँ। तो उसी में करियर बनाना चाहती हूँ? हाँ, मुझे मेकअप अच्छा लगता है। अभी क्या कर रही हैं आप? मैं स्टूडेंट हूँ, मैं पढ़ती हूँ, 11th क्लास में हूँ। आर्ट्स से ज्योग्राफी है मेरी, अभी मेरे पेपर चल रहे हैं। तो मम्मी पापा घर में क्या बोलते हैं, जब से ये ज्वाइन किया आपने उसके बाद से क्या बोलते हैं? मम्मी पापा मतलब मम्मी को पता है कि मैं कोर्स सीख रही हूँ, तो मम्मी कहती है अगर तुझे इंटरेस्ट है उसमें तो तू आगे बढ़ सकती है, तो मैं तेरा सपोर्ट दूंगा, सपोर्ट करेंगे हम तुम्हारे। क्या नाम है आपका? वंदना। क्या करती हैं? मैं स्टूडेंट हूँ। किसका आपने कोर्स किया यहाँ पे, ट्रेनिंग किस चीज़ के लिए? बहुत सारी चीज़ लिखी, ग्रामर, इंग्लिश,
रेज्यूमे बिल्डिंग, टी शर्ट डिज़ाइनिंग, पोस्टर, लोगो, डिजिटल आर्ट, टैटू, मेकअप, आर्टिस्ट्री, कॉलेज, स्कूल, प्रोजेक्ट, कंप्यूटर ट्रेनिंग, फाइनेंशियल असिस्टेंट, वेबसाइट बिल्डिंग, ये सारे जितने भी स्किल्स हैं उसमें सबसे अच्छा स्किल आपको कौन सा लगा? मैं यहाँ पे दो कोर्सेज लेती हूँ, कंप्यूटर ट्रेनिंग और ग्रामर इंग्लिश, तो मुझे दोनों ही अच्छे लगते हैं। क्या बनना है आपको आगे? मुझे वैसे टीचर बनना है वैसे तो। यहाँ आने के बाद में क्या आपने चेंज महसूस किया? मेरे को चेंज तो बहुत अच्छा लगा है, मेरे पेरेंट्स भी कहते हैं कि चेंज से मेरे अंदर काफ़ी है। सो ग्रामर इंग्लिश में मुझे मतलब ग्रामर सीखने को मिले, क्योंकि जैसे मैं पहले पढ़ती थी तो इंग्लिश में बोलने मुझे काफ़ी डिफिकल्ट होती थी और लिखने में भी, बट अभी अच्छा है, मेरा स्कूल अच्छा चल रहा है। अंग्रेजी अच्छी सीख गई? अभी इतनी अच्छी भी नहीं हूँ, बट धीरे धीरे हो जाऊंगी। मुझे तो अंग्रेजी सुन सुन के बाकी लोग कुछ बोलते होंगे ना? हाँ बिल्कुल, अंग्रेज नहीं ऐसा तो नहीं बोलते, बट बोलते हैं कि हाँ तेरी इंग्लिश पहले से तो बेटर हो गई है। हाँ, घर में क्या बोलते हैं मम्मी पापा या बाकी लोग? घर में सब कुछ इंग्लिश दिखता है मेरे अंदर, बिकॉज मैं घर में भी थोड़ी इंग्लिश यूज़ करती रहती हूँ, सो इसलिए उनको चेंजेस दिखता है तो कहते हैं हाँ पहले तो बहुत अच्छा चेंज दिख रहा है तेरे अंदर। वैसे मैं यहाँ पे इंग्लिश पढ़ती हूँ सब्जेक्ट में। अभी आप कौन सी क्लास पढ़ रही हैं? 11th, आर्ट्स विद हिस्ट्री। और आगे जाके आपको टीचर बनना है? हाँ। क्या नाम है आपका? मोनिका। क्या बनना है आपको? मतलब मेरा एम है मेकअप आर्टिस्ट, और जैसे कि बताया भैया ने कि हमारे यहाँ पे संडे एक्स्ट्रा क्लासेस होते हैं जिनमें हमें स्किल सिखाया जाता है, तो मुझे मेकअप में ज़्यादा इंटरेस्ट है, तो भैया वही सिखाते हैं, तो मतलब मेरा जो इंटरेस्ट है तो पढ़ाई के साथ साथ उसमें भी मेरा इंटरेस्ट अब ज़्यादा हो गया है। तो जैसे सब कोचिंग में बस पढ़ाया जाता है, लेकिन यहाँ पे एक्स्ट्रा स्किल्स भी सिखाए जाते हैं जिसकी वजह से बच्चों को ज़्यादा इंटरेस्ट आता है, तो पढ़ाई के साथ साथ हम एक्स्ट्रा स्किल्स भी कर लेते हैं साथ में। तो अभी मेकअप यहाँ से ट्रेनिंग लेने के बाद किसी का मेकअप? हाँ, घर पे कई किया है, अपने भाभीों का, मतलब जो भी रिलेटिव्स हैं वो मेरे पास आते हैं। मेकअप करने के बाद में वो लोग क्या बोले, बिगाड़ दिया कि सब ठीक है, अच्छा हुआ, मज़ा आ गया? उन्हें अच्छा लगता है जो मैंने किया होता, उन्हें बहुत पसंद आता है। तो ये कमाई का सोर्स भी बन सकता है आपका ना? हाँ, तो मेरा एम इसी में ही है, तो मैं इसी में ही कुछ करना चाहती हूँ मेकअप। वैसे क्या करती हैं? वैसे तो मैं 11th में पढ़ती हूँ आर्ट्स के साथ। क्या नाम है आपका? सलोनी। सलोनी, क्या करती हैं आप वैसे अभी? मैं 12th क्लास की स्टूडेंट हूँ जो यहाँ पे पढ़ती हूँ। अच्छा, यहाँ पर क्या ट्रेनिंग ली आपने स्किल की? मेरे को तो यहाँ पे चॉइस होती है अपनी जो आपको लेनी है, पर मेरे को यहाँ पे कम्युनिकेशन की स्किल अच्छी लगी तो मैंने वही ली है। क्या कम्युनिकेट करना सीखा? इंग्लिश में सीखी, और हिंदी में बोलने का तरीका भी सिखाते कि ऐसे बात करनी चाहिए लोगों से, ऐसे नहीं, और इंग्लिश में ट्रांसलेशन भी सिखाया। कैसे बात करना चाहिए? कोई मान लो आपको बड़ा मिल गया या कोई मंत्री मिल गया तो उनसे कैसे बात करनी है, सारी चीज़ें? हाँ, तो उनसे फॉर्मल तरीके से बात करनी चाहिए, जैसे हम अपने रिश्तेदार से कहते हैं वैसे नहीं करनी चाहिए। बस रिस्पेक्ट देना चाहिए। क्या बनना चाहते हैं आप? वैसे तो मैं लॉयर बनना चाहती हूँ, पर मेरा सेकंड एम भी है एक। क्या? मीडिया एंड जर्नलिज्म। जर्नलिज्म? कौन, टीवी वगैरह देखती हैं? न्यूज़ कितनी देर तक देखती हैं? वैसे तो ज़्यादा नहीं देखती, एक दो घंटे तो रोज ही देखती हूँ। एक दो घंटे रोज ही? हाँ। खबर वगैरह सब, आजकल कौन सी खबर सबसे ज़्यादा आपको दिखाई दे रही है? आजकल तो वो चुनाव आ रहे तो उसकी ज़्यादा खबर है। चुनाव की ज़्यादा खबर? हाँ।